हम तो वही कर रहे हैं मैडम सर जो आपने हमें करने को कहा है। आपका स्क्रीन प्ले, आपका डायलॉग, आपका डायरेक्शन, आपका सब कुछ, हम तो एक्ट कर रहे हैं। आप जा सकती हैं। हाँ मैडम, मैडम हम जिंदा हैं मैडम, मैडम हम जिंदा हैं, लेकिन सब लोगों को लग रहा है कि हम मर चुके हैं मैडम। मैडम ना तो हम किसी को दिखाई दे रहे ना तो सुनाई दे रहे। तुम हमें तो दिख रहे हो। आप हमें देख पा रही हैं? हाँ सुनाई भी दे रहे हो। सुनाई भी दे रहे हैं? या अल्लाह तुम तो मर चुके हो, हमें क्यों दिख रहे हो? नहीं मैडम हम मरे नहीं मैडम, ये देखिए आवाज आई आपको, ये देखिए मैडम आवाज आई। मैडम मर गए होते तो आवाज आती क्या? पुष्पा जी। हाँ मैडम, हाँ हाँ मैडम सर, उनको बुलाइए, उनको बताइए कि हम जिंदा मरे नहीं है, आप हमें देख सकती हैं। पुष्पा जी। हाँ आ गए हम मैडम सर, आ गए, आपने आवाज दी और हम आ गए भाग भाग के, बताइए क्या हुआ? आप रहने दीजिए, आप संतोष को भेजिए। नहीं आप हमें एक मौका तो दीजिए ना। अरे ओवर एक्टिंग की दुकान। हाँ हाँ हम नहीं दिखाई दे रहे आपको। पुष्पा जी आप संतोष को भेजिए। संतोष। पुष्पा जी, पुष्पा जी, पुष्पा जी कहाँ हो संतोष? पुष्पा जी मैडम क्या हो रहा है? जी मैडम सर। संतोष शर्मा आपको यहाँ इस रूम में टोटल कितने लोग दिखाई दे रहे हैं? अरे इसके पेट पे भी कोई बात नहीं रहती। एक अरे ये क्या, हमने दिखाई दे रहा है आपको? दो लोग हैं रूम में। ध्यान से देखिए हमारे अलावा और कोई दिखाई दे रहा है? एक इधर, यहाँ हम हैं संतोष जी, हम आपको नहीं दिख रहे हैं संतोष जी। संतोष शर्मा आर यू श्योर? ये यहाँ इस जगह पर हमारे पास बिल्कुल कोई खड़ा हुआ दिख रहा है आपको? नहीं मैडम सर, नो। अरे नहीं क्या, हम 5 फीट 7-8 इंच के आदमी आपको नहीं दिखाई दे रहे मैडम सर? कुछ सुनाई दिया? हाँ 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 सुनाई दे रही है, सुनाई दे रही है। बाहर ट्रैफिक है बहुत। ये क्या, किसी की आवाज सुनाई दे? नहीं ठीक तो है, आई ओके? हाँ हाँ हम बिल्कुल ठीक हैं, आप जा सकते हैं। ओके मैडम सर। संतोष जी सर, अरे ये क्या हो रहा है मैडम सर, हम जिंदा मैडम सर, लेकिन ऐसे सब ये क्यों कर रहे हैं कि हम मर गए? एक मिनट हमें शायद समझ में आ रहा है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। एक काम करो, आईने के पास जाओ और खुद को देखो। हाँ मैडम सर ये क्या हो रहा है, हम मिरर में खुद को क्यों नहीं देख पा रहे? इसका मतलब सच में मर गए? मैडम सर नहीं, हम मर नहीं सकते। तुम मर चुके हो इकबाल, तुम जो छत से कूदे थे उसमें तुम्हारी मौत हो चुकी है, और ये जो है वो तुम्हारी रूह है, तुम्हारी आत्मा है, तुम अब इस दुनिया में नहीं हो इकबाल। नहीं नहीं मैडम सर, हम मर नहीं सकते, हम जिंदा। हम कहा बोले समझा है कि नहीं? हाँ एक्टिंग करना, एक्टिंग रियल लगना चाहिए। बैठो अब आता ही होगा वो। हम जिंदा है, हम मर नहीं सकते, हम मर नहीं सकते, हम मर नहीं सकते, हम जिंदा है। ओए आइए आइए, बदनाम की चाय पीजिए, चाय का एक घुट लगाइए और मुस्कुराइए। वाह क्या बात, क्या बात, क्या बात। बदनाम भाई, बदनाम भाई, बदनाम भाई देखिए, बदनाम भाई, बदनाम भाई, हम इकबाल, हम आ गए बदनाम भाई। अरे हम जिंदा है।
ये लीजिए अदरक वाली चाय, ये आप लीजिए इलायची वाली चाय, और चपाड़ का जो तेरह में चाय दे रहा हूँ ये बदनाम स्पेशल, ठीक है दीका? कैसी है चाय के पैसे देना चपड़ गंजो, समझे? बदनाम भाई बदनाम, अरे सोचने दो, पहले कितने लिखने हैं? उस्मान भाई 20 लिखो, उस्मान भाई मम्मी के बाल देखिए ना, हमें इधर आओ उस्मान भाई, भाई हम एक बार, अरे भाई ये देख, आपके अंदर देख, बता दो इनको, एक काम करो इसके ना 135 लिखो, क्या की कोरोना चल रहा है यार, वसूली कहाँ से करेंगे, धंधा सब ठंडा पड़ा है। उस्मान अरे अरे जी क्या, अरे बदनाम गुड्डू पप्पू नन्ना कहाँ मर गए सब, मर गए सब, क्या यार इधर आओ, का चिल्ला कर रहे हैं, चिल्ला कर रहे, ये तुमको नहीं दिख रहा है? ये बिरयानी का पैकेट हमारे हाथ में था, अब देखो ये कैसे हवा में तैर रहा है। अरे क्या हवा में, ये हमारे हाथ में मिकबाल दिख नहीं रहे आप लोगों को, ए देखो ना भाई यार, देखो हमको लगता ना यहाँ कुछ हवा का चक्कर है, अरे हवा का, हमको लगता है यहाँ भूत है, भूत भूत है यहाँ पे, भूत है भैया, भूत है, भूत भूत अरे 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 हम इकबाल इकबाल, अरे यार भूत के चक्कर में तो सब ग्राहक भाग गए। अरे उस्मान भाई ताबीज दिखा, ताबीज, अरे ताबीज क्या दिखा, यहाँ धंधे की ऐसी तैसी हो गई, भूत को हम छोड़ेंगे नहीं, हम इकबाल इकबाल, भूत छू भूत है, कुत्ता नहीं है, अरे क्या कुत्ता है इकबाल, देखिए ना हमें, समझ समझ गया, ए भूत एक बिरयानी दे दे हमारी, अब हम फ्री में तो हम अपने अब्बा को ना खिलाएं, तुझे क्या खिलाएंगे, हम कहते हैं हमारी बिरयानी दे दे, ये ताबीज में बहुत ताकत है, भस्म हो जाएगा तू भूत, काली के फिरते वाली छू, भूत की ऐसी तैसी छोड़ दी, भाग गया साला मारे डर के, अरे वो तुम हो। अरे भाई साहब यह कोई अच्छा वाला सैलून है क्या, बाल कटाना है? था उधर, अरे हम बताते हैं अच्छा सैलून लखनऊ का, चलो चलो तुम्हारी सब दाढ़ी मूंछ कटवा देते हैं यार, ये देखो हमारे लखनऊ की सबसे बड़ी दुकान सैलून की, और ये है हमारी खाला जान हेयर स्टाइलिस्ट, बड़ी अच्छी है। वाह नूरजहां आंटी क्या बाल काटी है, एकदम तेरे नाम के रवि किशन लग रहे हैं, बहुत मस्त, सही बोले थे भाई, कौन बोला था पहले हमको बताओ ना। हाँ भाई मेरा भी कुछ यही हाल है। क्या हुआ आंटी, आप रो क्यों रही हैं? इकबाल की याद आ गई, जान देने से पहले अपनी अम्मी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा उसने, कि उसके बिना उसकी अम्मी का क्या हाल होगा, कैसे जिंदा रहेगी उसकी अम्मी उसके बिना, आज मेरा इकबाल जिंदा होता तो क्या अपनी अम्मी को इस हाल में देख पाता, कभी नहीं। एक मिनट, उड़ना मत, बैठे रहो, ये लो खाओ, हमारे हाथ की बनी स्वादिष्ट बिरयानी खाओ, कहा कि इकबाल को बिरयानी बहुत पसंद थी ना, हमारे हाथ की बिरयानी बड़े चाव से खाता था, अब इकबाल तो है नहीं तो इसे खिला देते, कुछ हमारा भी मन हल्का होगा, चलो चाय भी पियो, भरपेट खाओ, कहे कि उस्मान का दिल जो है ना दरिया है, अब बिरयानी हमारी सबसे बढ़िया है, अब खाओ, कोई पैसा नहीं लेंगे आज इकबाल से। कमीनो, जब तक जिंदा था तब तक तो कभी फ्री की चाय बिरयानी खिलाई नहीं, आज मरने के बाद हमारे नाम पे कौए खिला रहे हैं जी। उड़ो ना मत, खाए रहो, हाँ पियो चाय, पेट खाओ, कोई पैसा नहीं देना है। नहीं मतलब आपने हमारा पंखा हमारे टेबल से उठाया कैसे? जिस तरीके से आपने हमारा पंखा हमारे टेबल से उठाया ना और बिल्लू के लॉकअप में रख दिया उसी तरीके से, कब से मांग रहे हम आपसे, बहाने बनाए जा रहे कि ताले का चाबी नहीं मिल रहा है, हाँ हम क्या इंसान नहीं है, बंदर है, हमको गर्मी नहीं लगती, हमको पसीना नहीं आता, खबर खबरदार अगर आपने ये ओवर एक्टिंग हमारे सामने किया तो, अरे नॉर्मल इंसान जैसे बात कीजिए ना हमसे,
मुश्किल है। मेरा मतलब है कि नॉर्मल इंसान को पसीना न आना, गर्मी न लगना, बात न समझना। हाँ? नहीं, आपको समझती है, बाकी ये दो चीजें तो मुश्किल है ना, ये कहने जा रहा हूँ मैं। हम बिल्लू, तुम दोनों अपना मुंह बंद ही रखो, वरना ये ताला तोड़वा के तुमको रास्ते पे बाहर फिकवा देंगे, फिर रोते रहोगे हमारा बिल्लू निवास, हमारा बिल्लू निवास। उसको काहे डांट रही हैं? क्या करता है वो दिन भर? चुपचाप अपने लॉकअप में बैठा रहता है, किसी को तंग भी नहीं करता है। ये हाँ वही तो, मैं भोला सा मासूम निर्दोष लड़का अपने बिल्लू निवास में चुपचाप पड़ा रहता है, किसी को कुछ नहीं करता। भोला सा मासूम ऊपर से लड़का, खुद को कभी आईने में झांक के देखा है तुमने? डायनासोर से भी पुराने लगते हो तुम। हाँ मैडम। और आप कब से इसकी तरफदारी करने लगी? जब से आप अपने शाइनी बाल काले करने लगी। हम नहीं करते हमारे बाल काले, वो तो कुदरत की देन है, इसलिए तो हम अभी भी हमारी त्वचा से हमारी उम्र का पता ही नहीं चलता। आप काले नहीं करती इसीलिए यहाँ कान के नीचे सफेद है बाल। कहाँ? वो देखो कान के पीछे यहाँ। हाँ। रह गए, रह दो, काले करती ऐसे कैसे हो गए? सुनिए सुनिए पुष्पा जी, रात को जब घर जाएंगी ना तब काले कर लेना, फिलहाल हमें ये बताइए कि हमारा टेबल से हमारा पंखा हिला कैसे। तो साफ साफ सुनिए। हाँ। हमको गर्मी लग रही थी इसलिए हमने तुम्हारा पंखा। वही पंखा उठा के हमारे टेबल पे रख दिया है। अब अगर खुद का पंखा वापस चाहिए ना तो हमें हमारा पंखा लौटा दो, अपना लेके जाओ। मतलब हमें समझ में नहीं आता है कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है हमसे डायरेक्ट पंखा लेने का। देखो बस कीजिए आप लोग, ये पूरा दिन लड़ाई करने की ताकत कहाँ से आती है आप लोगों में? खाते क्या है आप लोग? हम तो सिर्फ खाना खाते हैं सीधा साधा, मगर ये दिन भर हमारा खून पीती रहती है। पुष्पा जी, करिश्मा सिंह, गलती आपकी है। आपने इनका पंखा उठाकर जेल में रखा था, इसलिए अब या तो चाबी खोजिए या ताला तोड़िए। आपको जो सही लगता है वो करिए, लेकिन इनको इनका पंखा लाकर वापस दीजिए। एंड दैट्स एन ऑर्डर। जी मैडम। बिल्लू, पुष्पा जी, ये फाइल जरा रिकॉर्ड रूम में रख दीजिए प्लीज। जी मैडम। सर, पंखा जरा जल्दी भिजवा दीजिएगा, हमको गर्मी बहुत लग रही है। जी। इकबाल, तुम रो रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, यही तो चाहते थे ना तुम, इसीलिए तो दी थी अपनी जान। और क्या करते, लॉकडाउन में धंधा बंद हो गया था, दोस्त के पैसे डूब गए, जिससे मोहब्बत करते थे उससे रिश्ता तोड़ना पड़ा, जीने के लिए हमारे पास कुछ बचा ही नहीं था, तुम जी कर क्या करते, सब कुछ खत्म हो गया था हमारा। चलो तुम्हें दिखाते हैं कि क्या क्या खत्म हो गया है और क्या है जो कभी खत्म नहीं होता। चलो। आओ। ये देखो एक बार, हमारे मार्केट वाले, बदनाम चाय वाला, तौफीक ड्रेस वाला, बमूल पान वाला, मिठाई वाला और ये बिरयानी वाला उस्मान। लॉकडाउन में सबका धंधा खराब हुआ, सबका बहुत नुकसान हुआ, कर्जे चढ़े, बहुतों का बहुत कुछ खो गया और कुछ का तो सब कुछ खो गया, पर फिर भी किसी ने हिम्मत नहीं हारी, मेहनत की और सब कुछ फिर से खड़ा किया। कड़वा है लेकिन सच है, जिंदगी का दस्तूर है इकबाल, जिंदगी कभी थमती नहीं, सांसें रुक जाती हैं लेकिन जिंदगी चलती रहती है। आओ। चल। बदनाम चाय देना। थैंक यू हसीना जी,
आपने एडवांस मेरे लिए चाय बुक कर दी। हाथते हुए देख लिया था ना मुझे, थैंक यू। अरे मुझे तो संतोष जी के पास जाना था, वो इकबाल की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी लानी थी, है ना मैडम? मैं अभी लेकर आता हूँ। हाँ हाँ, थैंक यू वंस अगेन। नूरजहां जी, यहाँ ये प्लीज। जी। कैसी हैं आप? बस जिंदा है। एक बात बताइए, आप इस उम्र में भी इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं? और क्या करें मैडम जी, इकबाल जिंदा था तो मेरा ख्याल रखता था, अब वो नहीं है तो पेट भरने के लिए मेहनत तो करनी ही होगी ना। इकबाल की दुकान है, अपने जीते जी उसे बंद नहीं होने दूंगी मैं। मेहनत करूंगी, उसका कर्ज भी उतारूंगी। बेटा खोया है, हौसला नहीं। जब तक जिंदा हूं तब तक लड़ूंगी। खाला जान, आइए चाय पीजिए। हाँ हाँ आराम से। इसे कहते हैं रियल वॉरियर, असली योद्धा। इतना कुछ हो गया फिर भी हिम्मत नहीं हारी। इनकी जिंदा दिली का अगर एक जर्रा भी तुम्हारे अंदर होता ना इकबाल, तो हालात आज कुछ और होते। जानते हो हमने इनकी मदद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहा कि जिंदगी के हालात से मैं अपने दम पर लड़ूंगी। अरे रंजीत जी, तुम यहाँ कैसे? वो इकबाल की अम्मी को नगर पालिका लेके जाना था। अच्छा अच्छा, वो डेथ सर्टिफिकेट के लिए। जी मैम। रंजीत तुम एक बहुत अच्छे दोस्त हो। वैसे अगर इकबाल तुम्हारे सामने होता, जिंदा होता, तो क्या कहते तुम उसे? बोलता क्या मैम, सामने होता तो दो झापड़ लगाता खींच के। पूछता उससे क्या यही थी अपनी दोस्ती? अरे एक बार मुझे बता देता ना तो मैं अपना पूरा प्रॉपर्टी बेच के उसका साथ देता। दोस्ती से बढ़कर भी कुछ होता है क्या मैम? आंटी आप यहाँ पे? आपके लिए टिफिन लाई थी। अरे फातिमा तू, मैंने कहा ना तुमसे इतना मत किया करो मेरे लिए, तुम्हारी सगाई हो चुकी है, अब तुम किसी और की अमानत हो। सगाई हुई है आंटी जी, शादी नहीं। जिस दिन शादी हो जाएगी तो आना भी बंद कर दूंगी। तब तक के लिए इतना तो करने दीजिए अपने लिए। इकबाल ने अपने प्यार पर भरोसा किया होता और मुझसे अपनी परेशानी बांटी होती तो इतने झगड़े नहीं होते। हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते थे। काश कि इकबाल ने खुद पर इतना भरोसा किया होता। बस मैडम सर, अब और नहीं देखा जाता हमसे। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, अपनी बेवकूफी की वजह से हमने सब कुछ गंवा दिया। सब कुछ तो था हमारे पास, हार गए और सब कुछ खो दिया हम। काश एक मौका मिल जाता हमें सब तम सब सही कर। दिया मौका, सब खड़े तुम्हारे सामने, करो जो ठीक करना है। Thank you.
तुम जिंदा हो, बिल्कुल ठीक हो, वैसे ही हट्टे कट्टे। ये सब एक नाटक था, तुम्हें जिंदगी और अपने रिश्तों की अहमियत सिखाने के लिए एक छोटा सा नाटक। वैसे मानना पड़ेगा, आई एम रियली ग्लैड आप सबने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, वैसे कुछ लोगों ने थोड़ी ओवर एक्टिंग जरूर की है, कुछ गड़बड़ियां भी की है, लेकिन फिर भी अच्छा था। थैंक यू सो मच। नाटक खत्म, जाओ मिलो अपनी अम्मी से। अम्मी, माफी। इकबाल, अगली बार अगर तूने मरने की कोशिश की ना तो मैं तुझे खोद तेरे से धक्का दे दूंगा। हाँ, फिर बचेगा नहीं। अब हमारे बिरयानी के पैसे देना, तेरे चक्कर में मैंने कबू खिलाई थी, चाय भी पिलाई कबू को हमने। मैडम सर, थैंक यू। चलाना। अरे हाँ, ऑन द वे ही है भाई साहब, उसी के घर। अमा रुको, नहीं मिला तो जो मिला वो उठा लेंगे। हाँ, हमें आप सबको बताते हुए बहुत ही गर्व और खुशी महसूस हो रही है कि हमारे महिला पुलिस थाने को बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं। लोग हमारे काम की, हमारे तरीकों की, हमारे बर्ताव की बहुत तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पुलिस की अब छवि बदलती जा रही है, पुलिस अब सख्ती से नहीं पूरे जज्बातों के साथ लोगों से पेश आ रही है। अमा रुको बे, हाथ आओगे तो हड्डी पसली तोड़ देंगे। इनफैक्ट नेशनल न्यूज़पेपर में हमारा बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल भी छपा है, सुनिए। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, पुलिस की बदलती तस्वीर, पूरे जज्बातों के साथ लोगों तक पहुंचने की कोशिश। अमा टोपा रुको, आज तो तुमको छोड़ेंगे। क्योंकि अब गलती को नहीं गलत सोच को बदला जाएगा। महिला पुलिस थाने के सराहनीय काम को हमारा सलाम। आज यहाँ छपाए, हमें पूरे यकीन है कि जल्द ही हमारे डिपार्टमेंट को भी हमारा काम दिखाई देगा। जरूर दिखाई देगा मैडम सर, डीएसपी सर का खाना खत्म हो जाएगा तो दिखाई देगा। आखिरकार मैडम सर, ये आप ही की कोशिशों का नतीजा है। इस थाने पर कितनी मुसीबतें आई, क्या कुछ सहाय आपने। हम तो कहते हैं इस तारीफ की असली हकदार तो आप ही हैं। नहीं नहीं पुष्पा जी, हम सब हैं इसके हकदार। कभी भी बगीचे में एक फूल अकेला नहीं खिलता, जो किया है हम सब ने मिलकर किया है। इनफैक्ट आप सबका नाम भी तो है इसमें। आभार SHO हसीना मलिक, SI करिश्मा सिंह, हेड कॉन्स्टेबल पुष्पा सिंह, कॉन्स्टेबल संतोष शर्मा और कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी। एंड लास्ट नॉट लीस्ट, बिल्लू चंपत। यही लिखा है ना आगे मैडम सर? काहे बे, तुम्हारा नाम काहे लिखा रहेगा वहां पे? क्यों नहीं आएगा? अरे हम भी तो थाने की टीम के मेंबर है। पर बिल्लू जी, आप पुलिस फोर्स में नहीं हो ना? यहाँ पे सिर्फ ऑन ड्यूटी पुलिस वालों का नाम है। ये गलत है, ये गलत है मैडम सर, ये गलत है। आज तक मेरे बिना एक भी केस सॉल्व नहीं हुआ है। मैंने क्या क्या किया है इस थाने के लिए, क्या क्या बना हूं मैं चोर। वो तो तुम हो ही। हाँ, पर ये चीते
मेरा फ्लो मत काटना, मेरी बात पूरी होने दे। क्या क्या बना है इस थाने के लिए, केस के लिए, चोर, उचक्का, औरत, आदमी। वो भी तुम हो बेटा, आदमी भी हो तुम। यही आदमी ने मार खाया है, कभी कभी हवा खाई है, भगाया, नचाया, दौड़ाया है। एनकाउंटर होते होते रह गया, असली गोली लग जाती तो। क्या ये सब का सिला ये है? अपने टीम के साथ एक नाम तक नहीं। ये जुल्म है मैडम सर, ये जुल्म है, ये नाइंसाफी है। टूट जाएगा प्रिंटर। हेलो, हाँ, अरे नेटवर्क आ रहा है, जा रहा है, एक मिनट। हाँ, पाई का हिसाब है हमारे पास, ऐसे कैसे नहीं देगा, देना पड़ेगा। हम किसी से डरते नहीं है। एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ हाँ जी बोलिए। ओ भाई साहब, ये हमारी कुर्सी है। बहुत अर्जेंट है। सुनिए। अरे मार्केट डाउन है तो क्या हुआ, मार्केट जब अप था तभी तो। अरे ये हमारी कुर्सी है, तभी तो लाखों। भाई साहब, अरे तभी तो लाखों बनाए थे कि नहीं, तो देने तो पड़ेंगे ना। हमारा पेमेंट नहीं जाएगा कहीं, आप फिक्र मत कीजिए। क्या भाई साहब, आप मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। जीते ही इनको समझा कि करिश्मा मैडम के चेयर पे बैठे हैं, अगर ये भी नहीं उठेंगे ना तो करिश्मा मैडम इन्हें ही उठा देंगी। मैं कैसा भी लगूं, मैं बहुत डेंजर आदमी है। मेरी वाइफ से पूछ लो, पूरा मोहल्ला थर्राता है आपके छोटे भाई के नाम से। हाँ याद है ना, विजय चौहान नाम है मेरा, उनको याद है, उनको। बाद में बात करता हूँ, बाद में। मैडम का सीट है जिसपे बैठे हो तुम। सॉरी बाद में बात करता हूँ, पता नहीं था आपकी जगह है। मतलब बहुत बड़े वाले टोपा आदमी हो तुम, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हो, फोन पे बात करते हो, हमको पूरा शहर का चक्कर कटवाते हो, फिर हमारे ही थाना में आके हमारा कुर्सी पर बैठ के पसरे हुए हो। क्या भैया, जिंदगी से संबंध खराब हो गया तुम्हारा? वाह, इतनी स्ट्रिक्ट महिला अफसर तो मैंने पहली बार देखी। ऐसे रूल तोड़ते रहोगे ना तो आगे भी बहुत बार देखोगे। नहीं 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 मैडम, मैं कैसा भी लगूं लेकिन मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। आप पूरे मोहल्ले से पूछ लीजिए, पूरा मोहल्ला कसम खाएगा मेरी शराफत की। कितना भी शरीफ आदमी होगे ना, अपना घर पर होगे। चीता चतुर्वेदी, इनका लाइसेंस लो और इनका केस फाइल करो अभी। एक मिनट चीता भाई, एक मिनट। मैडम देखिए, मैं सच कह रहा हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। घर में मेरे साथ क्राइम हो रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी बीवी से मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे आप लोगों की काइंड हेल्प की जरूरत है। नमस्ते मैडम, मेरा नाम विजय चौहान है, शहर के टॉप 5 शेयर ब्रोकर्स में मेरा नाम आता है। मेरी वाइफ से पूछ लीजिए, मैं शक्ल से कैसा भी लगूं लेकिन शेयर मार्केट का जीनियस हूं, जीनियस। ये रहा मेरा कार्ड, अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का मन करे आपका तो बंदे को याद कर लीजिएगा, 5 साल में पैसा डबल। एक मिनट। हेलो, अरे पेमेंट हो जाएगा, बाद में बात करता हूँ। एक्सक्यूज मी, आप अपनी बीवी के बारे में बता रहे थे। वाइफ? हाँ अनीता, क्या बताऊँ मैडम, जिंदगी हराम हो गई है मेरी वाइफ की वजह से। तो एक काम करो, वाइफ को कुछ दिनों के लिए मायके छोड़ा, वो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम ये सब करके देख चुके हैं। हमारे लल्ला को भी साथ में लेके गई, बता, 3 महीने वापस आने का नाम ही नहीं लिया, हाथ पैर जोड़ के वापस बुला लिया। हाँ तो किसने कहा था ये प्लान बनाने के लिए कि हमें मायके छोड़कर आए? कोई प्लान मैन नहीं बना था, थोड़ा कुछ गलत लगा सो बोल दिया था। आपके जैसे झगड़ालू प्रवृत्ति के नहीं है। मतलब हम झगड़ालू है? हमारा मुंह मत खुलवाइए अब आप। हाँ जीता भाई, ये दोनों सास बहू की तरह क्यों लड़ रही है? सास बहू ही है। पुष्पा जी, आप हमेशा हमको ही बोलती है। मिस्टर विजय, एक बात हमें समझ नहीं आ रही है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप अपनी बीवी से बहुत परेशान हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं, ये मामला क्या है? हा,
हाँ हाँ बोलो अनीता। बिच्छू चार बज गए हैं। हाँ जानता हूँ। लड्डू खाए? हाँ खाए। गुड बाय। बाय सोना, लव यू। लव यू टू। मैडम बात ऐसी है कि मेरी बीवी किसी बाबा रंगरसिया के पास जाती है, रोज उनका सत्संग लगता है, बहुत सारे भक्त हैं उनके, और उसी बाबा के कहने की वजह से वो रोज सुबह शाम मुझे लड्डू खिलाती है। अब आप ही बताइए मैडम, मैं कैसे पीछा छुड़ाऊ इन लड्डुओं से। आपने अपनी बीवी को कभी पूछा कि इतने सारे लड्डू वो क्यों खिलाती है? पूछा मैडम पूछा, जितनी बार पूछता हूँ ना, ये डॉल हाउस मेरे सामने रख देती है। अब बताइए ये गुड्डे गुड्डियों के साथ खेलने की उम्र है मेरी? ये बाबा क्या नाम रंगरसिया, इसका क्या चक्कर है? पता नहीं मैडम, पिछले कुछ दिनों से अनीता बाबा के पास जाने लगी है। पता नहीं क्या जादू चला दिया है बाबा ने। दो दिन पहले मैंने उसे सोने के कंगन लाकर दिए, उसने बाबा को दान कर दिए, कहकर के बाबा के लड्डू काम कर रहे हैं, इतना तो बनता है। सोने के कंगन? असली सोना का? अरे बाप रे। मेहरबानी करके मुझे बाबा से बचाइए, ये बाबा की वजह से ना मेरी गृहस्थी बर्बाद हो रही है। शक्ल से मैं कैसा भी लगूं लेकिन मेरा नाम विजय चौहान है और मैं बहुत दुखी हूँ। ठीक है मिस्टर विजय, हमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है, आप घबराइए मत, इत्मीनान से घर जाइए, हम देखते हैं क्या हो सकता है। डोंट वरी, हम आपकी गृहस्थी खराब नहीं होने देंगे। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अनीता को इसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए, बेचारी हर्ट हो जाएगी। ठीक है आप जा सकते हैं। दो मिनट रुको भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब सुनिए ना, आपके जो बाबा जी है उनके यहाँ गुस्से पर काबू पाने के लिए कोई लड्डू मिलते हैं क्या? पुष्पा जी। नहीं वो मिल जाते तो। पुष्पा जी मैं शक्ल से कैसा भी दिखूं लेकिन मैं बहुत बिजी आदमी हूँ। हेलो, हाँ हाँ जी, ये डॉल हाउस लेकर जाइए। नहीं नहीं, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने रास्ते से खरीदा था कि अनीता मुझसे क्या क्या करवाती है। हेलो, हाँ हाँ हाँ, ओके मैडम। सुनो रख लो। मैडम आप भी ना, मेरी कोई उम्र है क्या डॉल हाउस के साथ खेलने की? उम्र दिमाग से होता है, शरीर से नहीं। समझा नहीं आपने क्या कहा मैडम, पर रख लेती हूँ, इट्स क्यूट। पुष्पा जी। जी। आप इनकी बीवी अनीता से मिलिए, पता लगाइए कि कहानी क्या है, और बिल्लू को भेज दीजिए आश्रम बाबा का भक्त बनाकर, वो वहाँ जाकर कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा। यस मैडम सर। मैडम सर आप क्यों खामखा सरकारी पेट्रोल और वक्त दोनों खराब कर रही हैं? हमें ऑर्डर दीजिए ना, हम पकड़ के लाते हैं ये रंगरसिया बाबा को, और अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। करिश्मा सिंह ये बहुत ही सेंसिटिव केस है, इसलिए इसे हमें बहुत प्यार से हैंडल करना होगा। आप सिर्फ उस रंगरसिया बाबा के बारे में पता लगाएंगे, और जब तक हम आपको परमिशन नहीं देते आप कोई एक्शन नहीं लेंगे। इज दैट क्लियर? क्लियर। बिल्लू जी प्लीज प्लीज मान जाइए ना, आपको आपका फेवरेट काम ही करना है, जासूसी। बिल्लू द स्पाई। प्लीज बिल्लू जी, आपको ना बस वो रंगरसिया बाबा के आश्रम में उनका भक्त बन के जाना है और उनसे सारी डिटेल्स निकलवानी है, बस। खाने के लिए इतना सा नहीं कर सकते बिल्लू? अरे बिल्लू बेटा मान जा। इतना सा? कितना कुछ किया इस थाने के लिए, हर बार हर केस में अपनी जान हथेली पर लेकर इस थाने का साथ दिया, उसके बदले में क्या मिला? अखबार में एक नाम तक नहीं। बिल्लू जी प्लीज लिसन ना, वी नीड योर हेल्प। संतोष जी बस 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 बस, आज मैंने तय किया है, आज के बाद इस थाने के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, जहां क्रेडिट नहीं वह बिल्लू चंपत नहीं। बिल्लू भैया बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सही जा रहे हो। अरे यार चोर चंडाल हो चुका हुआ, इंसान तो इंसान की इज्जत होना चाहिए, बिना इज्जत सम्मान के इंसान की जिंदगी जिंदगी थोड़ी। हाथू, अरे कुत्तों वाली जिंदगी जीने से क्या फायदा, कभी इधर लेटे कभी उधर लेटे, कभी इधर चाटा कभी उधर चाटा, हैं? बताओ ये कोई जिंदगी है? नहीं नहीं, नहीं बताओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बेइज्जती वो नहीं ये है जो अब हो रही है। चीता प्लीज प्लीज इनको समझा दे। ए बिल्लू ए चुप रह, ए चुप ना चितबे, चितबे चुप ना, बेइज्जती हो रही यार। संतो जी आप चिंता मत कीजिए, हम आगे ना, हम समझाने में एक्सपर्ट हैं। का है बिल्लू? अरे ये क्या खाक समझाएगा संतो जी, मैं हूँ ना, मैं पूरा कॉलेज चलाता हूँ समझाने का, आप बस प्यार से मुझे बताइए कि किसको क्या समझाना है। ओके। कुछ जल रहा है क्या?
अरे यार गैस धीमी करो, बिरयानी जला दोगे क्या? गैस कम करो। तेरी भी समझ रखी है। नहीं मानोगे ना तुम लोग, हैं? ससु चुप। संतू जी कितनी ज्यादा ना समझ है आप। संतू जी इधर आइए इधर बैठे यहाँ पे। आपको ना बिल्कुल समझता ही नहीं है कि कब किसको कहाँ पे कैसे और क्या समझाना। जब एक बार हम बोल दें कि हम समझा देंगे तो बार बार अलग से समझाने का जरूरत है। सॉरी समझा देंगे हम। अरे समझाना भी एक आर्ट है जो इसके बस की बात नहीं है, मेरी है। संतू जी आप मेरे पास आइए और प्यार से मुझे समझाइए। आइए। ओके संतू जी एक मिनट। तुझे पता है सनी ने मुझे गिफ्ट दिया था। ये दिया था? हाँ मैंने कितने प्यार से गिफ्ट किया था संतू जी। प्यार से फोन दिया था, तूने तोड़ दिया। अब मैं तेरे से बात नहीं करने वाली। संतू जी हम गिफ्ट कर दिया था, उन गिफ्ट कर दिया था। संतू जी समझाने आए थे ना? हाँ। किसे? अबे तुझे। आ तो समझाओ ना। आ तो सुन ना। हाँ। तो बिल्लू तेरा इस बात का बुरा मानना कि अखबार में तेरा नाम नहीं आया ये बहुत बड़ी बेवकूफी है तेरी। हाँ? अरे तू तो स्पाई है, स्पाई बिल्लू द स्पाई। और अगर अखबार में तेरा नाम आए तो काहे का बिल्लू स्पाई? स्पाई तो ये होता है कि अगर तू चार पाए पे सोए तो चार पाए के किसी पाए को भी पता ना लग पाए दैट यू आर द बिल्लू स्पाई। कुछ समझ में आए? हाँ। तो बेटा तुझे तो गुमनाम रह के इस थाने की मदद करनी पड़ेगी। समझ में आया जो समझाना है? समझ गया चड्डे, जिंदगी में पहली बार समझदारी की बात की है। ए? बिल्कुल तू दिल पे मत ले। मैं जा रहा हूँ अपना फर्ज निभाने और उस बाबा रंग रसिया को अपने जाल में फंसाने। चड्डे विश मी लक, गुड लक। अरे सुनते तो जा तो सनी, चल। कहाँ? मेरा फोन ठीक कराने। संतू जी मैं आपका, मेरा टाइम भी आपका। हम हैं ना संतू जी। शाहरुख खान का बड़ा फैन मालूम हो रहा है। छोटे छोटे लड्डू, बड़े बड़े काम, जो खाए बन जाए उसके बिगड़े का। बोलो बाबा रंग रसिया की। मैडम आप अंदर नहीं जा सकते। अच्छा क्यों नहीं जा सकते? मैडम अंदर बाबा का सत्संग चल रहा है, अगर आप सत्संग में बैठना नहीं, चाहती। हमको सत्संग में नहीं बैठना है, हमको बाबा से मिलना है। ठीक है उस मैडम। प्रेम शांति। यस मैडम। आप कौन? योगेश ईश्वर लाल महेश चंद योगी, YIM योगी। बाबा रंगरसिया का मैनेजर हूँ, यहाँ का पूरा कार्य संचालन मैं ही देखता हूँ। बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? प्रेम शांति प्रेम शांति। हमको आपके बाबा से मिलना है। अरे मैडम जैसा कि आप देख रही हैं, ये तो संभव ही नहीं है।
ध्यान में है ना बाबा? आप बताइए क्या बात है मैडम? हमने सुना है कि आपके बाबा आशीर्वाद के बदले सोना लेते हैं। क्या बात कर रही है मैडम, मिथ्या है। अरे बाबा तो अपने किसी भी भक्त से कुछ लेते ही नहीं है, परंतु स्वयं यदि कोई भक्त अपनी स्वेच्छा से बाबा के चरणों में कुछ अर्पण करना चाहे तो बाबा उसका दिल भी तो नहीं तोड़ सकते ना। बाबा अपने भक्तों का सभी कष्ट दूर कर देते हैं। ये देखिए, इनमें से किसी भी तरह का कोई भी कष्ट हो, बाबा उसको अपने आशीर्वाद से पूर्णतः ठीक कर देते हैं। शादीशुदा जिंदगी में प्यार की कमी जी, रूठे बीवी को मनाकर वापस जिंदगी में प्यार भर दे। बिल्कुल, पहले प्यार की वापसी, सत्य वचन, टूटा दिल जोड़ दे। 100% समझ गए। आपके बाबा लगता है बहुत गहरे ध्यान में है। जी जी जी, बहुत गहन ध्यान में है बाबा, और जब भी बाबा अपने गहन ध्यान में होते हैं तो स्वयं में ही पूर्णता विलीन हो जाते हैं। यदि समय प्रलय भी आ जाए तब भी बाबा का ध्यान भंग नहीं हो सकता। हमें आपके बाबा का सत्संग ज्वाइन करना हो तो उसका प्रोसीजर क्या है? मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा नहीं, अच्छा दिखाऊंगा भक्त बंधु। भक्त बंधु यहाँ आइए जरा। मैडम उत्तेजना में नहीं, प्रेम शांति, प्रेम शांति। मैडम ये भक्त बंधु बिल्लू है। बिल्ला? इन्होंने आज ही हमारा आश्रम ज्वाइन किया है। भक्त बंधु बिल्लू, मैडम को प्रोसीजर समझाइए भाई। जैसी आज्ञा। प्रेम शांति, प्रेम शांति, प्रेम शांति। आ जाओ मेरे गले लग जाओ। तुम्हारा दिमाग खिसक गया क्या? प्रेम शांति, प्रेम शांति, प्रोसीजर बता रहे हैं। आ जाओ हमारे गले लग जाओ। प्रेम शांति, प्रेम शांति, प्रेम शांति, प्रेम शांति। देखिए मैडम कितना प्रेम भरा मनोहारी दृश्य है। ठीक इसी तरह यहाँ जो भी आता है प्रेम में डूबकर बाबा रंगरसिया का हो जाता है और बाबा भी उसे अपना भक्त बना लेते हैं। आलिंगन कीजिए, अब आपकी बारी है। प्रेम शांति, प्रेम शांति। प्रेम शांति, प्रेम शांति। अब आपकी बारी, प्रेम शांति, प्रेम शांति। आ जाओ। आप क्या कर रही हो मैडम? आप हमारे बाबा के ऊपर रिवॉल्वर तान रही हैं। घृणा अशांति। हम तो बस ये देख रहे थे कि बाबा का ध्यान कितना पक्का है। मान गए तुम्हारे बाबा को और उनके ध्यान को। मिलते हैं। प्रेम शांति, प्रेम शांति। मैडम सर ने विजय की बीवी अनीता को ढूंढने भेज तो दिया, लेकिन कहीं दिख भी नहीं रही है वो। विजय ने तो कहा था कि अनीता रोज इसी मार्केट में इसी समय सब्जी लेने के लिए आती है। अभी तक आई कैसे नहीं? फिर सब बकवास भिंडी लाए हैं आप। भिंडी कैसे दी भैया? 50 रुपए किलो माँ जी। हाँ,
दीदी 50 रुपये किलो। हाँ। अरे भिंडी चुन रही हो कि मोती के दाने? ऐसे एक एक भिंडी चुनोगी तो रात हो जाएगी। लौकी देना। अरे रात होती है तो होने दो, लेकिन भिंडी तो मैं अच्छी ही चुनूंगी, उन्हें बहुत पसंद है ना तुम्हारे पति को? हाँ बड़ी चाव से खाते हैं वो भिंडी, पता है वो तो इंतजार करते रहते हैं कि कब भिंडी बने और कब उन्हें भिंडी खाने को मिले। और वैसे भी अगर कोई चीज अच्छी बनाए हो तो वो मन को भी अच्छी लगती ना, है कि नहीं? बात तो सही है। कितना हुआ? 50 रुपये। 50 रुपये? हाँ जी 50 रुपये किलो जी। हाँ ठीक है ठीक है, ये तोल दीजिए। हाँ जी। बहुत प्यार करती हो अपने पति से? और उनसे नहीं करूंगी तो और किससे करूंगी? वही तो है मेरे लिए सब कुछ। ये लीजिए भैया। कुछ कर पुष्पा, ये तो जा रही है। वैसे तुम्हारी हाथों की उंगलियां देखकर ही लगता है कि तुम अपने पति से बहुत प्यार करती हो और वो भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आपको हाथ देखना आता है? हाँ थोड़ा बहुत सीखा है अपनी अम्मा से। क्या बात है, अब मेरा हाथ देखिए ना। अरे आए प्लीज। अच्छा चल। ये तो कमाल की बात है पुष्पा जी, पति पत्नी दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं फिर भी उनके बीच ये बाबा कैसे आ गया? मतलब एक ऐसे आइडियल कपल जो एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए हैं, उनके बीच ये गुंजाइश ही कैसे बने कि कोई उन्हें आकर बताए कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं? यही तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है मैडम सर। अनीता जैसी बीवी मिलना मतलब सच में बहुत भाग्य की बात है, वरना हमारे लल्ला की तरफ देखिए। खैर हमारे कहने का मतलब यह है कि अनीता विजय से बहुत प्यार करती है और उसको हर एक चीज याद है विजय की, जैसे वो पहली बार कब मिले, शादी का प्रस्ताव कब रखा, पहला दिया हुआ प्यार भरा खत, पहली सर्दियाँ, पहली छुट्टियाँ, यहाँ तक कि पहली देखी हुई फिल्म, सब कुछ याद है, दिन तारीख महीना साल सब। तभी तो हम कंफ्यूज्ड हैं पुष्पा जी, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि केस किसका बनाए, मतलब कौन विक्टिम है और कौन। संतू सॉरी मैडम सर। पुष्पा जी। जी मैडम सर। विजय को थाने बुलाइए और उससे वही सारे सवाल पूछिए जो अनीता से पूछे थे, देखते हैं विजय को कितना याद है। यस मैडम सर। अच्छे से साफ करो। अरे हाथ भी लगाया ना तो फोड़ डालेंगे, दोनों फोन को फोड़ डालेंगे और इनका लाशें बाहर जाएगा थाने से, समझे? थोड़ा अर्जेंट है और कुछ नहीं। जितना अर्जेंट ये है ना उतने ही अर्जेंट हमारे सवाल है और उनके जवाब है जो आप देंगे अभी। दीजिए। पुष्पा जी पूछिए सवाल। आप हमें ये बताइए आपने अपनी बीवी को पहला प्रेम पत्र कब और कहाँ लिखा था? नहीं मतलब ऐसे सवाल कौन करता है? अपनी बीवी को पहली बार आई लव यू ऐसा कब और कहाँ कहा था आपने? ये कैसे याद रहेगा शादी के इतने साल बाद? है मैडम क्या बात कर रहे हैं, इसे साल दर साल बीतने से प्यार थोड़ी कम होता है। इसे एग्जांपल के तौर पर आप हमी को ले लीजिए। हमारा शादी जिससे भी होगा ना वो 50 साल बाद भी हमसे सवाल करेगी नहीं तो दिन तारीख साल महीना मौसम टाइम सब कुछ जुबान पर पट से बता देंगे हम। प्यार करने वाले याद रखते हैं, भूलते नहीं, वो सिर्फ प्यार करते हैं। चीता भाई बहुत छलांग लगा रहे हो ना, एक बार शादी करो बाद में पूछेंगे तुमसे। ठीक है ठीक है ठीक है। आज आपकी बीवी ने पहना क्या है? No idea. कल खाने में क्या बनाया था? कढ़ी चावल। आपकी बीवी का पसंदीदा रंग कौन सा है?
रंग याद नहीं। पहला गिफ्ट याद है जो दिया था उनको? ये याद है हमको, याद है। पूरे 2.5 लाख रुपए का हीरो का हार दिया था। अरे पीले और नीले डायमंड थे उसमें। आज की तारीख में उसका रेट कम से कम 10 लाख रुपया होगा। आपकी बीवी का पसंदीदा गाना कौन सा है? अरे गाने तो इतने सारे हैं, मैं क्या बोलूं आपको। कोई एक 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 मतलब डिफिकल्ट है। उनका पसंदीदा डिश? डिश तो पसंदीदा रेस्टोरेंट? ये याद है, सार्वजनिक भोजनालय। नहीं सॉरी, अपना भोजनालय। नाम थोड़ा डाउन मार्केट लगता है लेकिन बहुत पॉश रेस्टोरेंट है। 2500 का बिल हमेशा होता है, महीने में 2 बार जाते हैं हम। लास्ट टाइम तो 6500 का बिल हुआ था। वाह बहुत बढ़िया, मतलब पत्नी का कुछ याद होना हो लेकिन उस पे खर्चा कितना किया है ये बहुत अच्छे से याद रखे। वाइफ है, याद तो रखना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल। लेकिन मैडम ये सब क्या हो रहा है, ये सब सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं आप लोग? ये सब आपको मैडम सर समझाएंगी, फिलहाल आप जा सकते हैं, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन लड्डू वाले बाबा? चल रहा है, इन पे भी कार्रवाई चल रहा है, बहुत जल्दी हमारे सामने आएंगे। फिलहाल आप जा सकते हैं, चीता चतुर्वेदी इनको बाहर छोड़कर आइए। चलिए सर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। आओ चीता आइए, जरा छलांग वलांग लगा के पकड़ो बाबा को। हमारे हिसाब से अब ये मिस्ट्री केस बिल्कुल मिस्ट्री नहीं रहा। हमें ऐसा नहीं लगता मैडम सर, करिश्मा सिंह ऐसा ही है। विजय और अनीता से बात करके साफ साफ पता चलता है कि उन दोनों के बीच का रोमांस खो गया है और इस बात का फायदा उठा रहा है वो रंग रसिया बाबा। मैडम सर ये सब बेकार बातें हैं, रोमांस कोई गाजर का हलवा थोड़ी ना कि अभी था और अभी खत्म हो गया। ये जो रोमांस है ना ये सब फिल्मी चोचले हैं, और अगर रोमांस होता भी है तो ऐसा कौन सा रोमांस है जिसमें बीवी अपने कंगन एक बाबा को दे देंगी? सही तो है ना, आपको क्या पता रोमांस होता क्या है, इसलिए तो हमारे लल्ला का आधा जीवन बिना रोमांस के ही बीत गया। पुष्पा जी रोमांस होता है करिश्मा से, रोमांस ही एक चीज है जो पति पत्नी के रिश्ते को तरोताजा रखती है। जैसे तड़के के बिना कोई भी सब्जी या दाल बहुत फीकी लगती है, ठीक उसी तरह रोमांस के बिना कोई भी शादीशुदा जिंदगी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। क्या बात है मैडम सर, आपका शादी नहीं हुआ लेकिन फिर भी आप मैरिड लाइफ का इतना नॉलेज रखती है। क्या है ना करिश्मा सिंह कि नॉलेज के लिए एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है, बस एक प्यारा सा दिल होना चाहिए। देखिए वो डॉल हाउस, ये है हमारी अनीता और ये है अनीता का राजकुमार विजय, और ये है इनके बीच का रोमांस जिसकी कल्पना अनीता करती है। बस इसी रोमांस को वापस लाना है। मैडम सर ये रोमांस का माजरा नहीं है, ये बात कुछ और है, कुछ गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है करिश्मा सिंह, ये बस एक पति पत्नी के बीच के खोए हुए रोमांस का हल्का फुल्का सा केस है। तो ठीक है मैडम सर, लेकिन अगर ये केस वो निकला जैसा हम कह रहे हैं तो इस केस को हम अपने तरीका से निपटेंगे और आप हमें नहीं रोकेंगे। डन। ए बिल्लू ए, कहाँ हो गया बाबू, पगलाओ वाला गए हो कहाँ, दिमाग हिल मिल गया है तुम्हारा, कहाँ हो, कहाँ कर रहे हो ये सब? नहीं नहीं बस 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 बस, अभी यही करना है, सुबह शाम बाबा का नाम जपना है। जय हो बाबा रंग रसिया। ए बिल्ले जरा हम भी तो देखे तुम्हारे ये बाबा रंग रसिया दिखते कैसे हैं। बाबा के दर्शन करने? हाँ हाँ। ओहो बाबा भक्त कनाए हैं, चलिए। जय हो बाबा रंग रसिया, रंग रसिया। आराम से, हाँ, आराम से। अरे वाह तो ऐसे दिखते हैं तुम्हारे रंग रसिया बाबा। हाँ जय हो बाबा रंग रसिया। पुष्पा जी। हाँ पुष्पा जी, ये गलत बात है, ऐसा फोटो नहीं नहीं, हाँ। नहीं गलत बात है, ऐसे फोटो नहीं पड़ते। बार बार
जय हो बाबा रंग रसिया बाबा, इनको पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, इनको माफ कर दो बाबा। पुष्पा देवी, ये आपने क्या कर दिया, ये आपने ठीक नहीं किया, बाबा रंग रसिया की तस्वीर फाड़ डाली, एक उनके परम भक्त के दिल को ठेस पहुंचाई आपने। पुष्पा देवी आपने ये गलत किया बाबा। बंद करिए नौटंकी अभी, एक काम बोला था ना बाबा रंग रसिया के पास जाके पता लगाओ, कुछ संदिग्ध कार्यकलाप, कुछ गड़बड़, कुछ गैर कानूनी गतिविधि, कुछ पता चला? पता चला। क्या पता चला? देखा। क्या देखा? स्वर्ग, स्वर्ग में विचरती सुंदर सुंदर कन्याएं, उनका अनुपम सौंदर्य। बाबा रंग रसिया जय हो। अम्मा कुछ ऐसा देखा कि बाबा किसी भक्त से अकेले में मिल रहा हो, प्राइवेट में ले जाके कुछ भेंट ले रहा हो, कुछ काम का देख के आए हो क्या? पता नहीं, मतलब कभी ध्यान नहीं गया हम तो। मैडम मैडम मैडम, आप किससे पूछ रही हैं? चेला हो गए ससुरी बाबा के, इसका भूत भी बताएगा अभी। भूत नहीं, हम वर्तमान हैं, हम जिंदा हैं। बेटा बिल्ला, करिश्मा सिंह से पक्का ले रहे हो, तुमको लगता है तुम जिंदा बचोगे? बता वरना तुम क्या, तुम्हारा वो रंगरसिया भी एक ही बात बोलेगा, दरोगा जी देखे तो बहुत, तुम सा ना देखा। बताते है अब बाबा के क्या कहने, अजीब अजीब उपाय होते हैं उनके, और उनके भक्तों से हमने सुना है अजीब अजीब उपाय होने के बाद भी बाबा के उपाय धीरे धीरे ही सही काम जरूर करते हैं। मतलब क्या उपाय, कैसे, कोई कुछ एग्जांपल दो ना। जैसे कि एक मास पहले एक सास अपनी बहू की परेशानी लेकर बाबा रंग रसिया के पास गई, अपनी बहू की परेशानी बताने, अब क्या बताए उस बहू के बारे में, बहू को तो गुस्सा इतना कि नाक पे रहता है, बहू बस नाम की है, घर घरेलू संस्कार बिल्कुल ही नहीं, और सास तो कहती रही कि मेरे बेटे की शादी के बाद मेरे बेटे के नसीब ही फूट गए, अब क्या बताए। तो क्या क्या उपाय क्या बताया बाबा जी ने? क्या बात है, बहुत इंटरेस्ट ले रही है पुष्पा जी। हाँ तो ये तो काम है ना हमारा, अब केस में ही तो इंटरेस्ट ले रहे हैं ना। केस में ही इंटरेस्ट ले रही हैं आप। हाँ तो अच्छा ही काम कर रहे हैं हम। हाँ बताओ क्या उपाय बताया। उपाय बताया, एक मास तक उस सास को अपनी बहू की सारी बात ही माननी होगी, जली कटी कहे सुन लेना चाहिए, उसके पैर दबाना चाहिए, उसका सिर दबाना चाहिए, बस दिन रात अपनी बहू की सेवा करनी चाहिए। पकड़े जाने चाहिए ऐसे फर्जी बाबा, जेल में डाल देना चाहिए, उनसे चक्की पिसवानी चाहिए। आता जाता तो कुछ है नहीं, उल्टे सुल्टे उपाय बताते रहते हैं। नहीं 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 नहीं, सुनिए सुनिए पूरा सुनिए, क्या पता कोई हल निकल जाए। एक बात बताइए हमको, यहाँ हमारे यहाँ कुछ लिखा है क्या, आप जैसे कहती रहती ना टोपा पुष्पा टोपा है, ऐसा लिखा है क्या? हम अनिता जैसे भोले भाले नहीं है जो ऐसे ढोंगी बाबाओं की बातों में आ जाएंगे, समझ गए ना आप। हमारा आश्रम जाने का वक्त हो गया, हम चलते हैं, वहाँ के लड्डू की हमें बहुत याद आ रही है। बिल्ला, हाँ हाँ, तुमको लगता है कि वो लड्डू में कुछ मिलाते हैं? पता नहीं, लेकिन लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, आते वक्त आपके लिए भी लेके आएंगे। जय बा, जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। आप लोग सब जरा केबिन में आइए, बहुत जरूरी बात करनी है। जी मैडम सर। मैडम सर, संतु जी को बुला लें क्या? हाँ हाँ ऑफ कोर्स जी। चलिए संतु जी, मैडम सर बुला रही है। हमने यहाँ पर आप सबको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क देने के लिए बुलाया है। हम समझते हैं कि शायद आपको ये टास्क थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन आप लोग हमें इतना तो जानते ही हैं कि हम कोई भी काम बेवजह नहीं करते। अब मैडम सर आप बताइए टास्क क्या है? लव लेटर लिखना है। आप सबने बिल्कुल ठीक सुना, आप सबको एक लव लेटर लिखना है, आप जिससे चाहते हो, मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो या करते थे, उसके लिए एक लव लेटर लिखना है बस। हमको भी लिखना है? हाँ पुष्पा जी, सबको लिखना है। मैडम सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अब लव लेटर लवर को लिखा जाता है ना, क्या भाई बहन को लव लेटर लिखते हैं? तुम मेरा कोई लवर नहीं है मैडम सर, अभी मैं इतनी शॉर्ट नोटिस पे लवर कहाँ से पैदा करूं? सोशल मीडिया पर जेन्युइन लड़का नहीं मिलता मैडम सर, आपको भी कैसे पता होगा। आई नो मैडम सर, और अगर मैं पर्सनली अगर देखूं तो पहले लड़का ढूंढना पड़ेगा, फिर दोस्ती करनी पड़ेगी, फिर उसे हिंट देना पड़ेगा, लेटर लिखना पड़ेगा, स्माइल करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसीजर है मैडम सर, मैं कितना भी जल्दी ट्राई करूँ 1 महीना तो लग ही जाएगा।
संतू जी मतलब बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। नहीं नहीं बिल्लू नहीं, हम अपना बात कर रहे हैं संतू जी। एक बार के लिए चलिए मान लीजिए कि हम आपके लवर हैं और आप हमसे प्यार करती हैं और हमारे लव लेटर लिख डालिए। मैडम सर, हमें भी लव लेटर लिखना है। हाँ क्यों, कोई प्रॉब्लम है? एक मिनट, तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड है ना, क्या नाम है उसका? एलियन एलियाना थी, अब हीरा है, आश्रम में मिली, बस अब यही है, मिसेस बिल्लू चंपत बनेगी। बहुत बढ़िया बिल्लू, बहुत बढ़िया। मैडम सर, आप हमारे थाने को प्रेम आश्रम बनाना चाह रही हैं, आप सबसे लव लेटर लिखवाना चाह रही हैं, इसकी वजह जान सकते हैं हम? तजुर्बा कहता है हमारा कि कुछ सवालों के जवाब वक्त पर छोड़ देना चाहिए तो बेहतर होता है। फिलहाल इसे ट्रेनिंग समझ लीजिए, शायद केस के काम आए। करिश्मा सिंह, हम जानते हैं कि आपके लिए बहुत ही मुश्किल काम होगा, ये रोमांस का मामला है ना, आपके मिजाज के खिलाफ है। शायद भूल रही हैं आप कि हमने लव मैरिज किया है और रोमांस के बारे में हमसे ज्यादा अच्छा यहाँ कोई नहीं जानता है। खैर, ये केस है और हमारा मानना है कि केस सिर्फ डंडों से सॉल्व किया जाता है, ऐसे रोमांटिक हथकंडों से नहीं। इसलिए माफ कीजिएगा, हमें तो इन सबसे आप भारी रखिए, हम जा रहे हैं केस सॉल्व करने अपने तरीका से। जाएंगे बाबा के आश्रम, पहले भक्तों को पकड़ेंगे, उसके बाद बाबा रंगरसिया को पूरे सपोर्ट के साथ। चलिए आप लोग भी फटाफट लिखना शुरू कीजिए, हमें कल तक सबके लव लेटर्स चाहिए। जी मैडम सर, डिसमिस्ड। जी मैडम। मतलब अभी जैसे फोन टूट सकता है वैसे तुम्हारा दिल भी टूट सकता है ना। संतोष बेचारी कब तक बचती रहेगी उस चट्टे जैसे टिड्डे से। टिड्डे की तो मैं, अरे वो रंगरसिया बाबा एकदम चमत्कारी है, उनका एक बार आशीर्वाद ले लो। संतोष जी तुम्हारी, दोबारा बता रहे हैं बाबा, फालतू बाबा, फर्जी बाबा का नाम हमारे सामने लेना, हमसे खराब कोई नहीं होगा पहले का। अरे सुनो तो सही, अरे बहुत लोग जो भक्त है उनके उनके मुंह से सुना है कि बाबा रंगरसिया के उनके दर्शन लिए बस उनको उनका प्यार मिल गया। क्या बात कर रहा है यार बिल्ले? वही संतोष जी तुम्हारी। लेकिन बिल्ले यार, हाँ करिश्मा मैडम को पता चल जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा भाई। बिल्कुल नहीं पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? I have a plan. बिल्लू द स्पाय। फिर तो संतोष जी आपके आगोश में होगी। सच में। बिल्लू कहाँ चला गया यार? ये पर है। इसका मतलब ये है कि संतू जी को अपने आप पर लड्डू करवाने के लिए भी बाबा का लड्डू लेने आया है। सत्यानाश, ये भी यहाँ पे आगे लड्डू लेने। इससे पहले कि हमको यहाँ पर देखे, हमको लड्डू लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए और इससे पहले संतू जी को लड्डू खिला देना चाहिए। लड्डू तो पहले मेरा ही खाएंगे संतोष जी बेटा, लड्डू लेकर निकलता हूँ।
बेड़ा गर्क, ये कहां से आ गई? मर गए। संतोष जी को पटा ही लूंगा। अरे ओ तेरी, ये यहां कहां से आ गई? निकल ले यहां से सनी चड्डा, इन्होंने मुझे यहां देख लिया तो बहुत मार पड़ेगी। चड्डे चीते, वाह क्या टाइमिंग है तुम्हारी। तुमको भी तभी टाइम मिला था जब करिश्मा मैडम को यहाँ पर आना था। अगर करिश्मा मैडम ने तुमको देख लिया ना तो जिंदा नहीं बचोगे तुम। जल्दी से लड्डू लो और निकलो यहाँ से। मैडम प्रेम शांति, प्रेम शांति, आप भी कीजिए ना। कहती मत करो, लड्डू खाकर संतु जी जरूर हमारे पास चली आएंगी और हमारा बात मान जाएंगे। चीता बेटे भाग ले इससे पहले कि सनी चड्डा पहुंच जाए संतु जी तक। आनंद के सागर में जा, ओम शांति। शांति प्रेम शांति, प्रेम शांति, स्वागत है मैडम आपका। बताइए क्या सेवा करूं? जितना भी सीसीटीवी है ना यहाँ पे, और जितना भी अगरबत्ती है, और जितना भी लड्डू तुम सबको बांट रहे हो, वो हमको भी चाहिए। इसका क्या प्रयोजन है? इसका जवाब हम तुम्हारे बाबा को सीधा जाके दे तो कैसा रहेगा? उत्तम, अति उत्तम। बाबा अपने नयन चक्षु खोलिए बाबा, मैडम को आपसे वार्तालाप करनी है बाबा। दिल तो पागल है, बासी घर है, राजू बन गया जेंटलमैन है। बाबा रंगरसिया के आश्रम में आपका स्वागत है। कही, हमने सुना है कि आप अपने भक्तों से आशीर्वाद के बदले में सोना और ज्वेलरी लेते। जब ऐसे 1, 2, 4 टाइप आरोप हमको लगते हैं ना मैडम, यकीन ना करेंगी आप, हमारा मन विचलित हो जाता है। जबकि सच तो ये है मैडम, हम तो हमेशा यहाँ पर मोहब्बतें बांटते हैं और हमेशा मोहब्बतें बांटते रहेंगे जब तक है जान। हाँ हाँ, जाइए मैडम, इस वक्त हमारे भक्तों का टाइम है। ज्यादा सवालों से इसे कोयला मत बनाइए, वरना आप अच्छी तरीके से जानती हैं इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सुना आपने मैडम, श्रवण शक्ति तो उत्तम है आपकी। शांति प्रेम शांति। मैडम संभाल की, नौकरी ही तो है, क्या पता कल हो ना हो। जाएगा मैडम, संभालिए। ये देखिए भक्तजन, देखो कैसे आग बबूला हो उठे। शांति शांति। नाराज हो गई मैडम,
बहुत गुस्सा है इनके अंदर। देखिए मिस्टर विजय, प्लीज आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम पर्सनली आपके केस को मॉनिटर कर रहे हैं। हम बहुत जल्द ये रंग रसिया के रहस्य तक पहुंच जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बस दो दिन और। नहीं 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 नहीं, हम स्टॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम केस की बात कर रहे हैं। हम आपका केस दो दिन में सॉल्व कर देंगे जी। थैंक यू। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। ये क्या हुआ, तुम लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? ओ करिश्मा मैडम का डंडा पड़ो। डंडा डंडा करिश्मा मैडम का डंडा किसी को पड़ेगा तो वैसे ही चलेगा ना, हम तो बिना डंडा पड़े ऐसे चल रहे हैं क्योंकि बाहर मार्केट में हम गिर गए थे, इसीलिए हम वैसे ठीक हैं। एनीवेज आप सबके लव लेटर्स रेडी हैं? यस जी मैडम सर। हाँ है ना, ग्रेट, ले आइए। ऑल सेट पुष्पा जी, शुरू करिए। हम जी जी क्या हुआ? शर्मा रही है मैडम सर। आउच। ऐसे ऐसे ही शर्माती है ये। पहली बार जब मैंने देखा तो मैं भी घबरा गई थी। वो इतने सालों बाद, मतलब बहुत सालों बाद लल्ला के पप्पा को खत लिखा है ना, थोड़ा सा लेटर। पुष्पा जी लेटर। हाँ हाँ पढ़ते। प्रिय लल्ला के पप्पा, आप क्या गए, नींबू से तो जैसे रस ही चला गया। जीवन गन्ने के मशीन में बार बार डालकर निकाले गए गन्ने जैसा झाड़ू हो गया है। याद है जब पहली बार आपके माँ बाप ने हमें साथ देखा था तो क्या कहा था, कैसे राजमा चावल जैसी जोड़ी है, एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे। और याद है जब हम हनीमून पे जा रहे थे तो हमारा वो ट्रेन का पहला सफर, मूली के 12 पराठे एक साथ खाने के बाद आपका पेट जरा गड़बड़ा गया था और उसकी वजह से पूरा कंपार्टमेंट खाली हो गया था। तब पता चला कि आप कितने बुद्धिमान थे। आपकी तो ये चाल थी सबको वहां से भगाने की ताकि हम अकेले रहे उस रात। उस दिन के बाद तो हमारे लिए मूली के पराठों की खुशबू के मायने ही बदल गए। पुष्पा जी बस हो गया। नहीं नहीं अभी है थोड़ा बाकी। नहीं नहीं बस हो गया। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। संतोष roses are red, sky is blue. Please make distance, I could have flew. Oh, 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 इतना सुंदर मैडम सर देख रहे हो with the social message. कितना सुंदर है संतु जी, आगे 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 सुनाइए एकदम। बस इतना ही है। हैं? मैडम सर इतने शॉर्ट नोटिस पे बिना बॉयफ्रेंड के तो ऐसा ही लेटर लिखा जाएगा ना। अच्छा नेक्स्ट बिल्लू। डियर हीरा, जब से तुम्हें देखा है दिल चाबियों की गुच्छे जैसा झनझना उठा है, पता भी नहीं चला कब से मार कर मेरे दिल में घुस आई। मेरे मन के लॉकर का कॉम्बिनेशन तुम्हें किसने बताया, किसने बताया तिजोरी में कितना माल है? बिल्लू चोरी चकारी के बिना तुम कभी कुछ लिख ही नहीं सकते ना। आपके मूली के पराठे से तो ये बेहतर है। मूली के पराठों की खुशबू का महत्व तुम नहीं समझोगे बिल्लू। नेक्स्ट। मोहब्बत हो तुम हमारी, यही तो है हमारी बीमारी, और एक बार जब खत्म हो जाएगी ये महामारी तो देखेगी ये दुनिया सारी कि मोहब्बत। ये लव लेटर डिस्पेंसरी में बैठ के लिखे हो क्या? बीमारी तुम्हारी महामारी लव लेटर लिखे हो या लड़की को बद्दुआ दे रहे हो? दो चार दवाई के नाम भी लिख देते ना। मैडम से ये है बाबा रंग रसिया का ट्विटर हैंडल, इसमें लगभग 40 ट्वीट्स ऑलमोस्ट डेली आते हैं और सबका एक ही टॉपिक होता है, प्यार से रिलेटेड प्रॉब्लम। अरे तो सब लोग यहीं पर भीड़ लगाए हुए हैं। ठीक है, बाबा वाला लड्डू और अपना वाला लड्डू दोनों अलग कर दे रहे हैं, फिर बाबा वाला लड्डू खाकर संतु जी हम पर लड्डू हो जाएंगे। संतु जी ये वाला दिखाओ।
हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद, आराम से। पुष्पा जी, आप सब लोग को लड्डू बहुत पसंद है ना, हमारी माँ ने आप सब लोग के लिए अपने हाथ से लड्डू बनाकर भेजा है। हाँ? हाँ। अरे एक मिनट पुष्पा जी, आराम से, हम दे रहे हैं ना। लीजिए मैडम सर, आप भी लीजिए लड्डू। अरे नहीं नहीं, हमें इतना सारा नहीं चाहिए, रुको डब्बा दो। मैडम सर, ये बस इतना सा। नहीं। क्या हुआ जीता? क्या हुआ क्या हुआ, अब जो होना था वो तो हो गया मैडम सर। चीता चतुर्वेदी। रिलैक्स गेम खेल रहे थे जी, लूडो खेल रहे। लूडो, सो क्यूट। क्या स्कोर हो गया है? कुछ है 20 लाख तक। 20 लाख जी। वाह, तुम तो गेम में बहुत अच्छे हो, और सच कहे तो काम में भी बहुत अच्छे हो। इफ यू डोंट माइंड, कुछ पूछ सकते हैं? मैडम सर, तुम शाम को ड्यूटी के बाद क्या कर रहे हो? क्या? नहीं मतलब ड्यूटी के बाद फ्री हो तो। चीता चतुर्वेदी, क्या होना था? इच्छा थी हमारे माँ की, ये अपने हाथ के बनाए लड्डू आप सबको टेस्ट करवाया, तो खुद लेके टेस्ट कर ली मैडम सर। तो अम्मी से कहना कि बहुत अच्छे बने, एंड थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। संतु जी, आप भी लीजिए, आंख बंद करके एक ही बार में पूरा खा जाइए। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, आइए आइए, ये देखिए क्या है हमारे पास। बाबा रंगरसिया के आश्रम से आप जो भी सामान जब्त करके लाई थी, ये उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट। कमाल की बात है ना कि सीसीटीवी में कुछ नहीं मिला, लड्डू में कुछ नहीं मिला, यहाँ तक कि जो आप फूल मालाएं जब्त करके लाई थी उसमें भी कुछ नहीं निकला। इसका मतलब आपके पास बाबा रंगरसिया के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। आपका प्लान तो फेल हो गया। फेल इसलिए हो गया मैडम सर, क्योंकि हम आपका इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे थे। हमारा तरीका होता तो फिर रिजल्ट कुछ और आता। बाबा रंगरसिया की असलियत दुनिया के सामने लाना, यही एक तरीका है इस केस को सॉल्व करने का। ये नहीं, ये मजाक था मैडम सर। अच्छा, लेकिन जिस आदमी ने हमें ये भेजा उसे ये मजाक नहीं न्यूज लग रहा था। बहुत बढ़िया करिश्मा सिंह, हम इस थाने को न्यूज़पेपर में फेमस करते हैं, आप अलग से सोशल मीडिया पर फेमस कर दीजिए। अब भी वक्त है, संभल जाइए। संतोष शर्मा, बाबा रंगरसिया के जितने भी अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स, ऑनलाइन अकाउंट्स, सब पर ट्रैक रखिए और हमें अपडेट करते रहिए। जी मैडम सर। कुछ करना नहीं है, हमको करने नहीं देती है और ऐसे केस सॉल्व करेंगी। इतना तनाव अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, थोड़ा शांत रहा करो। अभी के लिए तो ठीक है, मगर आगे चलकर जब शरीर जवाब मांगेगा ना, तब पता चलेगा। सुनिए सुनिए तो जी। देखिए, हमारे पास एक उपाय है आपका ये टेंशन जो है ना वो दूर करने के लिए। अच्छा बताइए पुष्पा जी। मगर उसके लिए आपको हमसे वादा करना पड़ेगा, आप जो भी करेंगे हमारे हिसाब से करेंगे। हम चाय नहीं बनाएंगे सुबह का। फिर वही घिसा पिटा चाय पे बवाल। देखिए, हम घर जाके बात करेंगे ना, हम अभी काम पे बात कर रहे हैं ना। देखिए, हम आपको अनीता से मिलवा सकते हैं, एकदम ऐसा पर्सनल लेवल पे, शायद आपके कुछ हाथ लग जाए। थैंक यू बोल के इस बात का मजा खराब नहीं करेंगे। कब मिलवा सकती आप? आज शाम 5 बजे। ठीक है। पुष्पा जी, कब आएगी वो? गाल फट के बाहर आ रही है, लेकिन आपको गोलगप्पा खाना। हाँ तो वो काटने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। आपके साथ बात करने से तो अच्छा है कि हम खाने के लिए मुंह चलाएं। अच्छा अच्छा, वो देखो आ गई। हाँ तो फिर चलिए ना। सुनिए सुनिए सुनिए। हाँ,
उसके साथ बात करो, मगर कैसे, दोस्त बनकर, प्यार से, हाँ, पुलिस बनकर नहीं। तो पुलिस दोस्त होती है? यही बात उसे भी समझानी है। अच्छा चलो चलो, चलिए दे तो दू उसको, पैसे बाद में देते हैं। अरे भैया, ये आलू कैसे दिए? पुष्पा जी, अनीता, अनीता, अरे कैसी आप? अच्छा पुष्पा जी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो ना। थोड़ा इधर आइए ना, आइए। ये, अरे ये तो घर की ही है, हमारी छोटी बहन है, बहुत दुखी है बेचारी। इसका पति जो है ना, इसको बहुत मारता है। अरे चलता है, अनीता भी तो अपनी ही है। हाँ क्या हुआ, दो चार बातें बता दी तो है कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपना ही समझिए मुझे। वो क्या है ना, वैसे तो हम पुलिस में है, हाँ, मगर इसको ना ये बात पुलिस तक लेके नहीं जानी। तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। पुष्पा जी, हाँ मेरी राय तो ये है कि आप दोनों ना तुरंत तुरंत ही बाबा रंगरसिया के पास पहुंच जाइए, वो एक इसमें ही आप लोगों की समस्या सॉल्व कर देंगे। टमाटर में? अरे नहीं नहीं, एक लड्डू में आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। अच्छा, हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। पुष्पा जी क्या बताऊं मैं आपको, मेरी लाइफ तो एकदम बोरिंग हो गई थी, मतलब मेरी मैरिड लाइफ से तो पूरा रोमांस ही खत्म हो गया था। ये तो बाबा रंगरसिया का ही चमत्कार है कि मेरी ना रोमांटिक लाइफ फिर से अच्छी चलने लगी है। हाँ? मेरे हस्बैंड बिज्जू, हाँ पता है उन्होंने कितने साल बाद मुझे लव लेटर लिखा है। हाँ? और ये सब बाबा रंगरसिया का ही तो चमत्कार है। पता है मैं तो इतनी खुश हो गई कि मैंने फौरन 5 तोले का हार गले से निकाल कर उनको गिफ्ट कर दिया। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह, आप ऐसे? जी हम वो केस के सिलसिले में गए थे। आपको बताना चाहेंगे मैडम सर, आप बिल्कुल सही थी, ये बात ही पति पत्नी के बीच का है। पत्नी अपना मैरिड लाइफ का रोमांस जो लुप्त हो रहा है उसको बचाने के चक्कर में ऐसा उलझुल हरकतें कर रही है। बाबा रंगरसिया तो सिर्फ इस चीज का फायदा उठा रहा है। हम शर्त हार गए मैडम सर, आप एकदम राइट है और हम टोटल रॉन्ग। और जैसा कि हमने कहा था कि अगर आप सही निकली तो हम बिल्कुल वैसा करेंगे जैसा आप चाहेंगी, हम हाजिर हैं। बताइए हमको क्या करना है मैडम सर। देखिए करिश्मा सिंह, दरअसल बात कुछ ऐसी। मैडम सर, आई एम बिल्लू द स्पाई एट योर सर्विस। मैडम सर, ये लव लेटर जो विजय ने अपने वाइफ अनीता को लिखा था और बदले में अनीता ने बाबा रंगरसिया को 5 तोला सोने का हार भेंट चढ़ाया। 5 तोला दिखाओ। वो तो बाबा के पास है। अम्मा ये लेटर दिखाओ। हाँ हाँ। ऐसा भी क्या लिखा है इस लेटर में? मैडम सर हम गलत नहीं है तो ये हैंडराइटिंग आपका नहीं है? जी बिल्कुल सही, हमने ही लिखा ये लेटर अनीता को विजय की तरफ से, उन दोनों के बीच का खोया हुआ रोमांस वापस लाने के लिए। बताइए, और हम यहाँ ऐसी गिल्ट में मरे जा रहे हैं कि आप कितना सही थी और हम कितना गलत हैं, या तो बात ही कुछ और चल रहा है। देखो करिश्मा सिंह, यही तो बुनियादी फर्क है आपके और हमारे नजरिए में। आप सिर्फ तस्वीर को देखकर कलाकार का अंदाजा लगाती हैं, लेकिन हम रंगों की गहराई में जाकर, क्योंकि रंग ही है जिसके जरिए एक कलाकार लोगों के दिमाग से खेलता है, जैसा कर रहा है ये बाबा रंगरसिया। अनीता जैसी इनोसेंट औरतों का फायदा उठा रहा है, रिश्तों के बीच की दरार को भरने के नाम पर अपनी तिजोरी भर रहा है। ठीक है, उसे लगता है कि वो बहुत बड़ा खेल खेल रहा है, तो हम भी तैयार हैं। अब ये खेल हम खेलेंगे। पनिशमेंट किसने दी, पुष्पा जी ने कि मैडम सर ने? कभी कभी हम सोचते हैं बकलोली में अगर टैक्स लगे तो तुम्हारे मम्मी पापा का तो पूरा जमीन जायदाद बिक जाए। इसको शीर्ष आसन बोलते हैं, इससे दिमाग ठंडा रहता है, दिमाग ठिकाने पे रहता है और क्रोध शांत रहता है। फिर तो आप ट्राई करो, आपको जरूरत है। तुम ट्राई करो आके।
तुम्हारे दिमाग में जो वायरिंग है वो डैमेज हो चुका है ना, वो ठीक हो जाएगा। हा? अच्छा पहले मैं ये सब साइड में कर देती हूँ। हे भगवान, आओ, किया इससे पहले कभी? नहीं, सर रखो नीचे। हाँ तुम्हारी हमें टोपा होगा, नहीं हो रहा है तुमसे। आ जा ऊपर आ जा। क्या हुआ? नहीं बहुत इजी है, इजी बहुत है, बस हवेली पुरानी है ना, दीवार थोड़ी सी ऐसी है, मुझे सिर्फ सीधी दीवार पे जमता है। तो मैं वैसे भी जॉगिंग करके आई हूँ, तो आप करो, मैं चेंज करती हूँ। पकड़ ले। मैडम सर, इसको मारने से हमारा केस सॉल्व नहीं होगा। अगर केस सॉल्व करना है तो कुछ सोचिए, कुछ करिए, या हमको बोलिए ना, हम एक मिनट में रफा दफा कर देंगे केस को। करिश्मा सिंह, आपके भी ये शीर्ष आसन करने से गुस्सा कम नहीं होगा। आप प्राणायाम करिए, तब जाकर शायद आपको ये इतनी सी बात समझ में आएगी कि समस्या बाबा रंग रसिया नहीं है, समस्या है वो अंधविश्वास जो अनीता जैसे लोगों को इस तरह के फ्रॉड बाबा तक पहुँचाता है। ये अंधविश्वास खत्म हो जाएगा, सारे बाबाओं का धंधा अपने आप बंद हो जाएगा। मैडम सर, यस मैडम सर, वो विजय चौहान बाहर आए और अर्जेंटली आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उनसे कहो वेट करें, हम फ्रेश होकर आते हैं। यस मैडम सर। कितना टाइम भाई? चीता भाई थोड़ी देर और, थोड़ी देर आ जाएंगी। थोड़ी देर ही? अब बस आ ही रही है, आ रही है, आ रही है। यस मिस्टर विजय, देखो आगे आ गई। मैडम सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने लेटर क्यों लिखा? मैं शक्ल से कैसा भी लगूं, लेकिन मैं बहुत होशियार आदमी हूँ। देखिए, हुआ ये था कि हमें लिखा तो लिखा, आपने पोस्ट भी कर दिया। हम आपको वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगा आपको, क्या लगा आपको कि मुझे पता नहीं चलेगा?